वो भरतपुर जिसके झरोकों से डीक पैलेस खिलखिलाता है, वो भरतपुर जहां का म्यूजियम आपको सजदा करता है, वो भरतपुर जहां का केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हिंदुस्तान की शान बढ़ाता है। हां, वही भरतपुर एक और चीज के लिए विख्यात है और वो है जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला। साल 1920, महाराजा किशन सिंह चाहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके स्वर्गीय दादा जसवंत सिंह की स्मृतियां अमर हो जाए, जिसके बाद उन्होंने अपने दादा के नाम पर ही जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले की शुरुआत की। तब से आज तक ये प्रदर्शनी बदस्तूर जारी है। हालांकि साल 1958 में इसकी जिम्मेदारी पशुपालन विभाग को दे दी गई। महाराजा श्री कृष्ण सिंह जी ने इस मेले को शुरू किया जो पहले भरतपुर के मथुरा गेट के बाहर लगता था, लेकिन चूंकि जगह कंजस्टेड थी, कम थी, और उसको विशाल रूप जब भरतपुर से बाहर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक के जब व्यापारी आने लगे, तो उस दृष्टि से जसवंत प्रदर्शनी को उस ग्राउंड के अंदर परिवर्तित कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी यहाँ आकर के अपने चीज़ों की खरीद फरोख्त करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पशु मेले के रूप में लगाया जाता है। महाराज किशन सिंह का इस मेले से खास जुड़ाव था। आलम यह था कि मेले के दौरान अगर किसी व्यापारी की बिक्री नहीं होती तो वो उसका सारा सामान खरीद दिया करते थे। आज भी इस मेले में ऐसी जनभावनाएं देखने को मिल जाती हैं। इस मेले में अलग अलग नस्लों के पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है। यहाँ होने वाली पशुओं की प्रतियोगिताएं देखने के लिए तो लोगों का मजमा लगता है। यहाँ जो पशुपालक दूर दराज से जब आते हैं तो लोकल पशुपालकों को भी अच्छे जानवर खरीदने का मौका मिलता है, और दूर दराज से लोग जो व्यापारी आते हैं वो अच्छे जानवर यहाँ से खरीद के भी ले जाते हैं, तो उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है पशु खरीदने का और बेचने का। मेले की बात हो और खाने पीने की बात ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। वैसे तो यहाँ आपको हर तरह की खाने की चीजें मिलेंगी, लेकिन यूपी के स्वादिष्ट खजला की हर साल भारी डिमांड रहती है। कभी तो यहाँ हर साल करीब 10 टन खजला बनाया और बेचा जाता है। एक किलो, दो किलो, पांच किलो, 10 किलो बांधो, सबसे ज्यादा खाने की चॉइस है भरतपुर जनता की, सबसे ज्यादा चॉइस है, इंडिया के अंदर कहीं नहीं है इतनी आगे लावा। सबसे खास बात यह है कि खजला मिठाई यहाँ सिर्फ इसी मेले के दौरान मिलती है। यही वजह है कि इसके शौकीन लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। बचपन से ही दशहरे का क्रेज रहता था, तो इसीलिए यहाँ पे आते हैं, मतलब झूला झूलना और चीजें खरीदना, छोटी मोटी चीजें खरीदना, और ये चाट पकौड़ी खाना, और सबसे मेन तो खजला होता है, तो इसके लिए तो आना ही आना होता है। पहले तो यही रहते थे, फिर बाहर रहने लगे, पर जब ये दशहरा होता है तो हमेशा ही आते हैं। पूरी एक मार्केट लगती है एग्जीबिशंस में, पूरी एक आप देख सकते हैं एक रो लगी हुई है इधर, और इसमें काफ़ी लोग इंटरेक्ट होते हैं, बहुत टेस्टी होती है इसको खाने के लिए। मैं चाहूँगी आप लोग भी इसको टेस्ट करें, जो देख रहे हैं एक बार आएं इसको देखने के लिए भरतपुर में। तमाम प्रदर्शनियों और मौज मस्ती के अलावा ये मेला खेलों के लिए भी विख्यात है। यहाँ आयोजित होने वाले खेलों में हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों से खिलाड़ी पहुँचते हैं। ये रियासतकालीन मेला है जिसको पहले रियासत के महाराजा इसको इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया भरतपुर स्टेट के, उसके बाद में ये पशुपालन विभाग का मेला हो गया, क्योंकि स्टेट फेयर है, स्टेट एनिमल फेयर होने के कारण इसमें बहुत सारे गेमों का आयोजन इसलिए करवाया गया ताकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और बच्चियाँ इसमें भाग ले सकें और आगे अपने आप को कहीं किसी भी स्तर पर अपने आप को आगे बढ़ा सकें। खिलाड़ियों के उत्साह को देखते हुए यहाँ के खिलाड़ियों को खेल संबंधी हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जो खिलाड़ियों का
हौसला बढ़ाने में मददगार साबित होती है। अदर प्लेस में मिट्टी पे होते हैं ये टूर्नामेंट, यहाँ पे हमने पहली बार मैट पे देखे हैं, वरना हम मैट पे खेलते हैं, लेकिन अदर जो डिस्ट्रिक्ट होती है उनमें सिर्फ ये जो टूर्नामेंट होते हैं ये मिट्टी में ही होते हैं, मेले के टूर्नामेंट। यहाँ मैट पे करवाया, हमें बहुत अच्छा लगा मैट पे, और हमारी प्रैक्टिस भी मैट पे हो जाती है इनसे। हम बहुत खुश हैं कि हमें मैट पे खेलने को मिला दोबारा। दौड़, कबड्डी और दूसरे खेलों के अलावा यहाँ कुश्ती के अखाड़े भी लगते हैं। चारों खिताबों की कुश्तियाँ पहले होंगी फाइनल, जहाँ अलग अलग जगहों के पहलवान कुश्ती का दांव पेंच आजमाते हैं तो जनता झूम उठती है। ये एक प्राचीन दंगल है, कम से कम 70 सालों से चला आ रहा है। इसमें बाहर के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर सब, मतलब सभी प्रकार के पहलवान यहाँ आते हैं। ये एक पहलवानी को उत्साह बढ़ाने के लिए ये दंगल हर साल कराया जाता है। इसमें अलग अलग राशि, अच्छी राशि दी जाती है। यहाँ खेल हार जीत के लिए नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द के लिए खेले जाते हैं। ऐसे में सरकारी विभागों के कर्मचारी भी भला इनसे कैसे चूक सकते हैं। वैसे रूटीन, डेली रूटीन से हमें टाइम नहीं मिल पाता फील्ड से, फाइलों से। ऐसे मौके पर ही ऐसे प्रदर्शनियों में या जो प्रतियोगिता होती है उनमें हम डिपार्टमेंटली मिल पाते हैं, एक दूसरे के प्रति हमें बहुत जानकारी मिलती है, आपसी मेल होता है, भाईचारा बढ़ता है, और खेलों से और भी और युवाओं को भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है हमें देखकर। अपने यहाँ कबड्डी का प्रतियोगिता, कुश्ती का, अपने यहाँ पे दौड़ का है, अपनी रस्सा कसी, बहुत अच्छा भाईचारा होता है यहाँ पे मिलके, बहुत अच्छा लगता है, हर साल होते हैं। भजन जिकड़ी कार्यक्रम में दूसरे राज्यों से आए कलाकारों के बीच भजनों का मुकाबला होता है। ये मन मोह लेने वाले भजन क्षेत्रीय भाषाओं में गाए जाते हैं। ढोला गायन कार्यक्रम में राजस्थान की ऐतिहासिक कहानियों का गायन किया जाता है, तो वहीं नाटक नौटंकी कार्यक्रम में इन कहानियों का मंचन होता है। क्षेत्रीय एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में दूसरे राज्यों से आए कवि अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उस एम्पायर की उंगली उठना बाकी है। कहते हैं कि कव्वाली खुदा की इबादत होती है, तभी तो जब कव्वाली शुरू होती है तो हर कोई झूमने को मजबूर हो जाता है। इसके चाहने वाले बहुत अधिक हैं। अभी तक जितने मेले में हमने कव्वाली का प्रोग्राम किया है, हमें लगा कि यहाँ सुनने वाले बहुत हैं और बहुत मज़ा आता है लोगों को सुनने में जब हम कंपटीशन करते हैं कव्वाली में, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कंपटीशन में जब गजल मुकाबला होता है। यहाँ के दशहरे मेले में तो लोगों का उत्साह चरम पर होता है। रोशनी और आतिशबाजी के बीच जब दंभ के प्रतीक रावण का दहन होता है तो नजारा देखने लायक होता है। बुराई पर अच्छाई की इस जीत को देखकर हर किसी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वैसे तो इस मेले का आयोजन पशुपालन विभाग करता है, लेकिन UIT, नगर निगम, बिजली विभाग, PWD आदि विभागों का भी सहयोग रहता है। श्री जसवंत प्रदर्शनी मेला स्टेट फेयर है और भरतपुर का एक प्रमुख इवेंट्स है। ये मेला 20 दिन लगता है और इस मेले के संचालन में, इसकी व्यवस्थाओं में UIT, नगर निगम, PWD, बिजली विभाग, जिला प्रशासन समस्त महकमे सहयोग करते हैं। यहाँ की तकनीकी सेमिनार में पशुपालकों को नई तकनीकों, समस्याओं और उनके समाधान से रूबरू कराया जाता है। 70-80 साल के अंदर जब हमने पशुओं को खेत से हटाया, इतने बड़े मेले के लिए पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करता है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक न रह जाए। ये हर प्रोग्राम में डिफरेंट तरीके से हमारे लोग डिप्लॉय होते हैं।
जैसे कि हर इवेंट जो होते हैं एथलेटिक्स में एक ऑफिसर को इंचार्ज बनाते हैं, या उसमें जो हमारी मेला होता है उसमें मेला मैजिस्ट्रेट होता है, उसमें सेपरेट तरीके से सिक्योरिटी होती है, कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश होता है। एंड जो कुश्ती दंगल है उसमें एसपी साहब उसमें ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, तो और वो पूरे तरीके से उसमें सिक्योरिटी अरेंज करते हैं। दो ये हमारी पशुपालन विभाग से होती है, तो इसमें प्रशासन के सभी प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उसमें इसमें ऑफिसर इंचार्ज होते हैं और इसकी पूरा व्यवस्था वो देखते हैं। कुल मिलाकर मेला प्रदर्शनी, मौज मस्ती, खेल खिलाड़ी और इतने भव्य आयोजन को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये मेला प्रेम, सौहार्द और मेल मिलाप की एक शानदार नजीर है।